सिकंदरा राव के हसायन कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरा राव जलीसर मार्ग के जरेरा गांव में बाड़ी बम्बी में पलटा मिनी डीसीएम। डीसीएम में सवार थे 3 दर्जन से अधिक महिला पुरुष और बच्चे, 2 दर्जन के लगभग श्रद्धालु हुए घायल। घायलों में मची चीख पुकार के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया रेस्क्यू। वहीं सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को सिकंदरा राव सीएससी पर पहुंचाया। वहीं डॉक्टरों ने जहां उन डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद घायलों को तत्काल आनन फानन में हाथस मेडिकल रेफर कर दिया। वहीं एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में सवार अंशुल पुत्र महेश चंद्र उम्र 16 वर्ष, ममता पत्नी महेश चंद्र उम्र 40 वर्षीय, शारदा पत्नी रमेश उम्र 68 वर्षीय, कमला पत्नी कल्लू उम्र 50 वर्षीय, माया पत्नी विजय सिंह उम्र 45 वर्षीय, शांति पत्नी छत्र सिंह उम्र 60 वर्षीय, टिंकू पुत्र पप्पू उम्र 27 वर्षीय, बॉबी पुत्र कल्लू उम्र 25 वर्षीय, रामलाल पुत्र उमेश उम्र 70 वर्षीय, प्रशांत पुत्र सुरेश चंद्र उम्र 19 वर्षीय, कैलाश पुत्र कर्ण सिंह उम्र 69, ओमवती पत्नी युगल लाल उम्र, सभी यात्री खेरिया मोड़ आगरा के मूल निवासी थे। सिकंदरा राव से मोहित कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। राजेश जी कहाँ के रहने वाले हो? आगरा खेरिया मोड़। खेरिया मोड़ क्या घटना हुई? घटना गंगा जी जाने जा रहे थे, रात को रात में समय था 4 बजे का, कहीं गाड़ी टकरा गई, अचानक नाले में जा रहे हैं। आप लोग परिवार के सब रिश्तेदार हैं? इससे आपका एक पूरा परिवार है और हम रिश्तेदार, एक व्यक्ति खत्म नहीं रहे। पुलिस पहुँच गई थी? पुलिस पहुँच गई थी। जो खत्म, उनका नाम क्या है? हाँ जी, खत्म हुआ बलराम सिंह। बलराम सिंह